तो युद्ध के बीचों बीच कल पुतिन ने दुनिया को चेतावनी दी और साफ कहा दुश्मनों को अब दो बार सोचना है। दरअसल पुतिन की चेतावनी की वजह से एक ऐसा मिसाइल है जो दुनिया में किसी भी हिस्से में तबाही का मंजर ला सकता है और रूस ने कल इस मिसाइल का परीक्षण किया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। क्या महायुद्ध होने वाला है? क्या पुतिन अब यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज युद्ध का 97वां दिन है। और एक दिन पहले रूस ने एक बेहद खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस ने न केवल मिसाइल का परीक्षण किया बल्कि पुतिन ने परीक्षण के बाद दुश्मनों को धमकी भी दी। इस धमकी की वजह ये ताकतवर मिसाइल है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। माना जा रहा है कि ये मिसाइल दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। हालांकि अमेरिका ने रूसी मिसाइल टेस्ट को रूटीन बताते हुए कहा है कि ये खतरा नहीं है, लेकिन पुतिन ने तो साफ साफ दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब दुश्मनों को दो बार सोचना होगा। Поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. सवाल यह है कि मौजूदा युद्ध के दौरान इस मिसाइल का परीक्षण रूस ने क्यों किया और पुतिन ने मिसाइल परीक्षण के बाद दुश्मनों को चेतावनी क्यों दी? तो इसका जवाब इस मिसाइल की खासियत में छिपा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक है, जबकि इस मिसाइल की स्पीड 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मिसाइल 10 टन तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल का वजन 208 मीट्रिक टन है, जबकि लंबाई 35.5 मीटर है, गोलाई 3 मीटर है। इस मिसाइल की ताकत यह है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला करके ये सेकेंडों में सब कुछ तबाह कर सकती है। मौजूदा युद्ध के दौरान अमेरिका से तनातनी के बीच रूस ने जानबूझकर इस मिसाइल का परीक्षण कर सभी नेटो देशों को सीधे सीधे चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।